हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल फास्ट वे यूट्यूब हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमजी सेक्ट पेमेंट को लेकर के। यानी कि दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है कि आप सभी लोगों का पेमेंट आ गया है पीएमजी सेक्ट का। दोस्तों, कुछ का बेली भाइयों का नहीं आया है, जिनका नहीं आया मैं उन्हीं के लिए खास करके वीडियो लेकर के आया हूँ। उनका पेमेंट क्यों नहीं आया और क्या रीज़न है इसका, दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो कि मैंने थंबनेल पर नोट करके रखा है। बेले भाई, हो जाइए होशियार, ऐसे करें अकाउंट अपडेट। यानी कि दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट अपडेट को लेकर के आ रही है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, पीएमजी सा पेंडिंग और डिसेबल आईडी पेमेंट तो गया, यानी कि दोस्तों आपका पीएमजी सा जो डिसेबल है और डिसेबल सीएससी आईडी या पीएमजी सा आईडी जो डिसेबल हो गई थी, और जो पीएमजी सा का पेंडिंग पेमेंट है उनका क्या होगा। दोस्तों, मैं फुल्ली बताऊंगा, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा कैसे आपका अकाउंट अपडेट करना है अपना, और कैसे अपना पेंडिंग जो पिछला पेमेंट रुका हुआ है या फिर जो किसी कारणवश जो भी कारण है आपका पीएमजी सा आईडी का या फिर आपका पेमेंट आने का जो रुकने का, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, टेक्निकली वीडियो भी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि उन लोगों को क्या करना है जिनका पेंडिंग पेमेंट था और दोस्तों जिनका सी एस सी आई डी डिसेबल हो गई थी, उनको क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उन सभी को एक मेल करना है, यानी कि अपने डिजी मेल आई डी पर आ जाना है, अपने डिजी मेल आई डी को ओपन कर लेना है और उसको वहाँ पर आपको यहाँ पर न्यू मैसेज पर आपको जाना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आपको मेल टाइप करना है। वो मेल जो टाइप करना है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किनको मेल करना है। तो आप सीधे pmjisa.in यानी कि pmjisa की साइट पर आइएगा और यहाँ से pmjisa PMU में जा कर के कुछ ईमेल आईडी निकाल लेनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किनको ईमेल करना है, वो यहाँ से ईमेल आईडी आपको निकाल लेनी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है सेंट्रल PMU कोऑर्डिनेटर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही लिस्ट आती है तो आपको सबसे पहले आपको गुंजन सर की आपको ईमेल आईडी नोट कर लेनी है, यानी कि अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है या फिर आप कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। एक तो इनको मेल करना है गुंजन सर को, और दूसरा हमें करना है बिस्बोम सर को, इनकी ईमेल आईडी निकाल लेनी है, और इनके बाद करना है हमें रविंदर सर को, रविंदर सर के बाद करना है हमें बसंत प्रजापति सर को। यानी कि दोस्तों, ये चार पाँच ऐसी मेल आईडी है जिनको आपको मेल करना है। हाँ, तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से ईमेल आईडी नोट कर लेते हैं तो आपको सिंपली आ जाना है अपने डिजी मेल पर, और यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। जैसे कि गुंजन सर की हमें ईमेल आईडी टाइप करनी है, तो यहाँ पर gunjan.singh@csc.gov.in यहाँ पर डाल देना, और फिर हमको यहाँ पर बिस्बोम सर की ईमेल आईडी को टाइप कर देना, और उसके बाद जो हमें ईमेल आईडी टाइप करनी है वो रविंदर सर की हमें ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सारी ईमेल आईडी जितनी भी मैंने आपको बताई है वो आपको नोट कर लेनी है और यहाँ पर आपको डाल देनी है। सब्जेक्ट में डालना है पीएमजी सा पेमेंट नोट रिसीव इन माय बैंक अकाउंट। दोस्तों, ये आपको सब्जेक्ट में लिख देना है पीएमजी सा पेमेंट नोट रिसीव इन माय बैंक अकाउंट। जैसे ही आप इसको सब्जेक्ट में लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ मैटर्स लिखना है, जो कि मैटर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैंने ये मैटर यहाँ पर जो है मैटर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, इस मैटर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका यही रीज़न, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड रीज़न है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने की वजह से या कुछ भी रीज़न है, तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, जो भी आप जिस भी नाम से आप सेंटर चलाते हैं वो नाम आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद अपनी पीएमजी से आईडी दे देनी है और रेफरेंस नंबर, जब भी आप इन जोन से महीने का भी आपका पेमेंट अटका हुआ है यानी कि रुका हुआ है, उस महीने के जब आपने इनवॉइस जनरेट करी थी तो वहाँ पर जो है आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजी मेल आईडी अपनी टाइप कर देनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और सीएससी आईडी और अपना फुल्ली एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और ये सब कुछ टाइप करने के बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने जो रीज़न था मेरा पिछले जो अक्टूबर मंथ में 2018 में, यानी कि मेरा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अकाउंट में, इसकी वजह से जो मेरा अकाउंट पेमेंट रुक गया था, तो मैंने यहाँ पर जो है मेल करी थी, लगभग 10-15 मेल करी थी, उसके बाद जो है मेरा पेमेंट बहुत ही ईजिली आ गया था। एंड दोस्तों, आप भी दो चार जनों के और भी जो मेरे साथ के बेली भाई थे, उनको भी मैंने ऐसे ही करा, मेल करवाई, तो उसकी वजह से जिसकी वजह से जो है पेमेंट बहुत ही ईजिली आ गया था। दोस्तों, आप भी यही काम करिएगा और सिंपली आप मेल करिएगा, मेल करने से जो है आपका पेमेंट आ जाएगा। आप एक मेल से आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप दो मेल करिए, तीन मेल करिए, चार पाँच मेल करते रहिएगा, यानी कि हफ्ता या एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर आप दो एक या दो मेल आसानी से डाल सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं उनके, जिन लोगों के सी एस सी आई डी या फिर पी एम जी आई डी डिसेबल हो गई थी, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली ये करना है, ये मैटर उनको नहीं लिखना है, सिंपली इसको काट देना है। और मैं आपको दूसरा मैटर दिखाता हूँ, वो मैटर आपको टाइप करके भेजना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, सर या मैडम मेरी पी एम जी सी आई डी सी एस सी आई डी डिसेबल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा पी एम जी सी अक्टूबर या आपका जौन सा भी मंथ हो, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, का पेमेंट मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ। सर या मैडम मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, एंड सर मेरा पेमेंट ट्रांसफ़र में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ईमेल ईमेल यानी कि मुझे ईमेल में बताने का कष्ट करें। और दोस्तों इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था थोड़ा रीज़न, और यहाँ पर फिर से जो मैंने दिया है नाम, पी एम जी से आई डी, रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह आपको सब टाइप कर देना है, और सिंपली इन्हीं जो ई मेल आई डी मैंने पहले बताई थी उन्हीं ई मेल आई डी पर आपको जो है ये सेंड कर देना है। एंड दोस्तों फिर दूसरी बात, यही मैटर अपने जी मेल आई डी में जाइएगा, जी मेल आई डी में जाने के बाद आपको जो हेल्प डेस्क एट द रेट सी एस सी सी एस सी की जो हेल्प डेस्क ई मेल आई डी है, उस पर आपको अपनी सी एस सी यानी कि जी मेल आई डी से ई मेल कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली पेमेंट आ जाएगा, जैसे ही आप मेल करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों आप ये ज़रूर करिएगा, आपने मेल अभी तक नहीं कराया तो आप मेल ज़रूर कर दीजिएगा, इससे क्या है कि आपका पेमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंड थर्ड ऑप्शन की तरफ, यानी कि आपका अकाउंट अपडेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका अकाउंट अपडेट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ पर जाइएगा पी एम जी सा की साइट पर, और यहाँ कॉन्टैक्ट में पी एम जी सा पी एम यू में जा करके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ से निकाल लेना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप निकालते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जा करके, ऑप्शन पर जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का मोबाइल नंबर निकाल लेना, उनसे कॉन्टैक्ट करके या फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है एनआईसी ऑफिस, वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब मिल जाते हैं। दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से कॉन्टैक्ट करिएगा और उनसे बोल दीजिएगा हमारा जो है अकाउंट अपडेट करा दीजिएगा। जैसे ही आप उनसे बोलेंगे तो वो आई होप के 100% आपका अकाउंट अपडेट करा देंगे, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन होता है। जब दोस्तों हम डिजिटल सेवा पोर्टल में जाते हैं और अपना अकाउंट अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है एरर आती है फिंगरप्रिंट के बाद, हमारा अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा, तो उनसे बोलिएगा अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब है आपके, दोस्तों वो आई होप के 100% आपका जो अकाउंट अपडेट है वो 100% करा देंगे। आप उनसे बोलिएगा, उनसे जाइएगा वहाँ पर जाकर के उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा, 100% का आपका जो है अकाउंट अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो छोटा सा अपडेट जो मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता दिया है। दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए धन्यवाद आपका, और मेरे चैनल से बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।